नाज़रीन गिरामी आदाब, वंस अगेन वेलकम टू अच्छा साथी चैनल। आज का हमारा टॉपिक है इंस्पिरेशन, काम को तकमील तक पहुंचाने वाली चिंगारी। मुसलसल काविशों से ही बना करती हैं तकदीरें, मुसलसल काविशों से ही बना करती हैं तकदीरें, जो थक कर बैठ जाते हैं उन्हें मंजिल नहीं मिलती। अकियो मोरिटा, सोनी कॉरपोरेशन का बानी, उसने अपने कारोबार की इब्तिदा दूसरी जंग अजीम में, जब जापान नेस्त नाबूद हो गया, उसके बाद की। उसने ख़ुद को उमूर की अंजाम दही के लिए तो तैयार किया ही, और अपने मुलाजमीन को किस कदर काम में मसरूफ़ और मशगूल रखना है इसकी कयास आरई भी की। अपनी बायोग्राफी में उसने रहनुमाई के लिए लायक और माहिर मुलाजमीन को मदद के लिए लेने की ज़रूरत पर ज़ोर दिया। वो कहता है, आप कितने भी अच्छे और फतेहमंद हो, कितने ही ज़हीन और उमूर की अंजाम दही में मुस्तैद हो, आपकी तिजारत और उसका मुस्तकबिल आपके कामगारों के हाथों में होता है। मोरिटा ने ज़िंदगी भर की मुलाजमत का तरीक़ाकार उसके इदारे में राइज किया। कंपनी में मुलाजमत पर मुस्तकिल रहने के लिए उसने लोगों को ज़्यादा उजरत भी दी। 1999 में वो रिटायर्ड हो गया, लेकिन उसकी विरासत अब भी जारी है। इस तरह उसने लोगों को बिल्कुल मुख्तलिफ तरीके से गौर फिक्र करने पर मजबूर किया। काम करने की फितरत इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों भी हो सकती है। मंजूरी, पैसा, तनख्वाह में इजाफा, समाजी एहसास, शोहरत, ये सब एक्सटर्नल बातें हैं। खुददारी, काम को अंजाम देने का इत्मीनान, जिम्मेदारी, खुद पर एतमाद, ये बातें हमें इंटरनल तौर पर काम के लिए आमादा करती हैं। बैरूनी तहरीक आर्जी होती है, और जब वो नहीं होती तब कारकर्दगी भी ख़त्म हो जाती है, लेकिन अंदरूनी तहरीक मुस्तकिल होती है, क्योंकि हमारा दिल उस काम की जानिब रागिब हो जाता है। साथियों, हम देखेंगे कि इंस्पिरेशन यानी क्या। इंस्पिरेशन इतनी पुरअसर ताकत है कि जिसके बलबूते पर लोग गैर मामूली काम अंजाम देते हैं। हमारे बातिन की तवक्कात या एक शरारे की मानिंद कुव्वत इरादी होती है, जो मौका मिलते ही भड़कने लगती है। इसकी वजह से ज़िंदगी पुरजोश और पुरबहाव रहती है। आला तहरीकी नुकात रखने वाले लोग शुजातमंद, पुरुमंग, वलवला खेज, मुस्तकीम और मुकर्ररा उमूर मुकम्मल करने की लगन रखते हैं। दूसरों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। मुश्किलात का वो हंस कर मुकाबला करते हैं। 1902 का साल था। स्टीवन केलान ने, जो कि एक अमेरिकन ऑथर था, आप दोस्त कश्ती के जरिए बहरे अटलांटिक उबूर करने का इरादा किया, और फौरन उसने इस बात पर अमल करते हुए सफ़र का आगाज़ कर दिया। सफ़र के दौरान उसकी कश्ती समंदर में किसी चट्टान से टकराकर गर्क हो गई। कलहान किसी तरह भटकते हुए एक हिफाजती कश्ती के ज़रिए थोड़े से खाने पीने की अशिया लेकर एक बहुत दूर दराज साहिल को जा लगा। उसकी ज़िंदगी के बचने के इम्कान बहुत कम थे, उसके बावजूद कलहान बच गया। 78 डेज़ के बाद, यानी 78 दिनों के बाद उसका सुराग लगा। उसका जिस्म हड्डियों का ढांचा बन चुका था, लेकिन वो ज़िंदा था। उसका ज़िंदा रहना यानी कि नामुमकिन से मुमकिन होने की एक अजीब व गरीब दास्तान थी। जब मौत अटल दिखाई दे रही थी और रबड़ की हिफाजती कश्ती भी फट चुकी थी, पीने का पानी भी ख़त्म हो चुका था, तब इतने मुश्किल हालात गुरेज़ा में कलहान ने उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा, जिसकी बिना पर वो मौत के मुँह में जाने से बच गया। यहाँ उसकी बेपनाह कुव्वत इरादे की वजह से ही वो ज़िंदा रहा। कल्हान लिखता है कि मैं अपने आप को हमेशा आगाह करता हूँ कि ये काम मैं कर सकता हूँ। इन हालात से गुजरे हुए बेशुमार लोगों की बनिस्बत मैं खुशनसीब हूँ, और ये बात मैं अपने दिल में गिरह बांधने के लिए बार बार दोहराता हूँ। कल्हान जैसे हिम्मतवर और जाबाज लोग ही तारीख मुरतब करते हैं। एडमंड हिलरी और टेंजिन नॉर्गे, इन दोनों अफराज ने सबसे अव्वल 29 मई 1953 के तारीख़ी दिन एवरेस्ट की चोटी सर की। इन दोनों विनर से कबल 1852 में हिलरी ने इस चोटी को सर करने की कोशिश की थी, लेकिन वो अपनी इस कोशिश में नाकाम रहा। चंद रोज़ बाद एक जलसे में ख़ताब करते हुए हिलरी ने यूनिवर्सिटी के स्टेज पर आगे खड़े रहकर अहद किया, ए एवरेस्ट की चोटी, तूने मुझे पहली बार शिकस्त दी, लेकिन ध्यान में रख, अगली मर्तबा मैं तुझे यकीनन शिकस्त देकर रहूँगा।
क्योंकि तेरी ऊंचाई तो मुकम्मल हो चुकी है, लेकिन मुझे अभी और मज़ीद ऊंचा उठना है। लोगों को एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने का इतना खप्त क्यों होता है? इतना ख़तरा मोल लेकर उन्हें एक आलीशान आजमाइश से गुज़रने की दीवानगी सवार होती है। ये इंस्पिरेशन की क़ुव्वत है साथियों। बड़ा बनने के लिए बड़े काम भी अंजाम देने होते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। अपना ख्याल रखें, खुश रहें। शुक्रिया।